सत श्री अकाल दोस्तों, अज असीं तुहाडी गलबात कराउण जा रहे हां विधानसभा हलका जीरा दे विच आम आदमी पार्टी दे बतौर आगू दे तौर ते विचर रहे शमिंदर खिंडा जी नाल, जो कि जीरे हलके दे विच काफ़ी चर्चित चेहरा भी इस वक्त बने हुए ने। उन्हां दे नाल गलबात करांगे विधानसभा हलका जीरा दे विच जो भी सियासी समीकरण ने, जो सियासी गतिविधियां ने, हलचल हो रही ने, उन्हां सारयां नूं लैके तो जो एक वड्डा धमाका होया वा जनमेजा सिंह सेखों जी का जीरे हल्के लैके सारी गलबात आप करांगे। जो पार्टी के उन्होंने हो रहा वा वह सारिया गतिविधियों के उत्ते भी गलबात करांगे। बहुत स्वागत करते हैं तपदा सच विच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे तो पहला करमजीत सिंह जी मरहाना तपदा सच न्यूज़ से अज तुसी मेरे को इत्थे आए तो मैं जिन्हें भी देश दे विदेश दे विच बैठे मेरे पंजाबी वीर बैठे ने, खास करके हलका जीरा दे जिहड़े भी मेरे वोटर ने, भैन भरा ने, मैं सारे नूं पहलों फतेह दी सांझ पाउंदा। वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह। खिंडा साहब, सब तो पहला मेरा सवाल, बाकी गल्लां बाद च करांगे, पहला गल करांगे आपां घर दी। तुहाडी जेकर गल करिए विधानसभा हलका जीरा दे विच ते आम आदमी पार्टी दे विच तीन चार चेहरे ने मेन, जिन्हां दे विच तुसीं भी आउंदे हो, जिहड़े कि उम्मीदवार के तौर पर विचर रहे हैं, लोगों का जिन्हों रिस्पोंस मिल रहा वा, असी जो मीडिया के देखिए तो लगातार रोक तुसी इंटरव्यू करा रहे हो पार्टी के दूसरिया पार्टिया के लैके, जिहड़े हर रोज़ कोई ना कोई जिहड़े वो इंटर कराए जा रहे हैं, होर गतिविधियां तुहाडे वल्लों कीतियां जा रही ने, पर जिहड़े विरोधी आ उन्हां वल्लों एक टकाश की जाती आ, एक मीणा मारिया जाता कि जे टिकट तो एक नूं मिलनी आ बाकी सारे ने भज जाना, किवें देखदे हो इहनूं? बिल्कुल मैम राणा साहब, ताड़ी एक गल जिहड़ी है लोगों के जरूर मैं सुनन नूं मिली है, पर मैं एक गल जरूर कहना चाहुंदा वा कि असी एक जे परिवार की गल की जाए, परिवार दे विच कई बार थोड़ी बहुत तकरारां जां मिसअंडरसटैंडिंग होंदियां ने, पर जिहड़ा साडा परिवार है आम आदमी पार्टी जीरा हल्के का परिवार, असी सारे एक हाँ, जो भी काम कर रहे हैं पार्टी के हितों लिए कर रहे हैं। तो जे गल की जाए टिकट की, तो टिकट तो एक सिर्फ एक आदमी को मिलनी है जिन्हें विधानसभा दी पौड़ियां चढ़ना है, क्योंकि ये निश्चय हो चुके कि जिहड़ी जीरा कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी नूं लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते पे ने। बाकी जे गल की जाए कि तुसीं गल करदे हो कि जी अज मैं इस तुहाडे जरिए गल कहां कि टिकट मैनू मिल गई, पर मैं नहीं समझदा कि मैं लोगों नूं इस गल करके गुमराह करा ते जां मैं आपदी पार्टी नूं गुमराह करा। साडा काम है पार्टी दीआं नीतियां नूं, पार्टी दीआं जिहड़ियां हैगीआं ने जिन्नियां भी काम हो रहे ने दिल्ली विच, खास करके जिहड़े काम असीं करांगे आके इत्थे पंजाब दे विच, पंजाब दे लोकां नूं उम्मीदां ने अज बदल चाहुंदे ने। दोनों रवायती पार्टियां तों लोक इन्ने कु ज़्यादा दुखी ने, पंजाब जो है एक बड़ा गलत तरीके नाल गलत पासे तुरया जा रहा, जिहड़ी साडी जवानी ते किसानी गलत रस्ते जा रही है। मैं समझदा वा कि अज सानू आपदे निजी हितों तो उठ के जिहड़ी टिकट जां राजनीति है जिहड़ियां सारा कुछ है, पहला आप सोचिए सानू पंजाब नूं बचाउणा किवें आ। मैं समझदा वा कि असी सारे एक आ, असी एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे हैं, असी जिन्नू भी पार्टी पर देगी, जिंदे ते भी आशीर्वाद देगी, जिन्नू भी वह थापी देगी, असी सारे उन्हां दे नाल आ, सारे एक इकट्ठे होकर इलैक्शन लड़ांगे। साडा मुख मंतव हैगा कि पंजाब दे विच्चों इन्हां दोनों रवायती पार्टियां नूं पासे करके एक चंगे पंजाब की सिरजना करिए ते पंजाब नूं फिर सोने की चिड़ी बन के साडे सामने, जिहड़े साडा नौजवान है, साडी जवानी है, साडी किसानी है, जे साडे मजदूर वर्ग वपारी वर्ग सारे खुशहाल होण ते सानू पता लगे कि साडा जिहड़ा हैगा नौजवान उहनूं दर दर दीआं ठोकरां खाण वास्ते बाहर देश तो बाहर ना जाना पवे, जां साडी किसानी नूं रुलना ना पवे। अज देखो तुसीं लगभग 6 महीने हो गए साडे किसान वीर दिल्ली दे बॉर्डरां ते बैठे ने, लगभग मेरे 300 तों वध किसान वीर शहीद भी होए उहनां बॉर्डरां ते। तो मैं समझदा वा कि इह इहनां पार्टियां दा जिहड़ा हैगा ढलदी कला दी निशानी है कि उह सोच ही नहीं रहे कि जिहड़ा पंजाब है उह किहड़े पासे जा रिहा। खिंडा साहब, हुण मेरा क्वेश्चन पहला तो यही है कि जेकर तुहानू आम आदमी पार्टी टिकट दिंदी आ उम्मीदवार दे तौर ते जीरे हल्के दे विच, तुहानू ओह खिलाड़दे ने ते तुहाडे सामने एक वड्डा चेहरा जिहड़ा ओह होऊगा श्रोमणी अकाली दल दा, जिहड़ा कि कैबिनेट दा उम्मीदवार आ जनमेजा सिंह सेखों, किवें आ उहनू वेख के कोई मन दे विच डर तां नहीं आ? मराणा साहब, ये गल वैसे मैं समझदा नहीं कि राजनीति करनी होवे तो तुहाडा कोई वड्डा प्रबल कोई दावेदार किसी पार्टी का भी होवे, वड्डा नाम होवे, मैं नहीं समझदा कि राजनीति कि लोग ने जिहड़ी लोक शक्ति है जिहड़ा वोटर है, वोटर वोटर नहीं किसे देखदा। मैं समझदा होया कि जनमेजा सिंह सेखों एक नकारिया होया, मैं उन्हां दा मान सन्मान करदा, मैं मेरे तो उम्र च वड्डे ने, मेरे बजुर्गों की उम्र दे ने, पर राजनीतिक तौर पर वो एक नकारिया होया मैं कहूँगा चेहरा, क्योंकि तुसीं देखिया कि फिरोजपुर देहाती हरका रिजर्व होने तो बाद उन्होंने मौड़ मंडी जाना पाया, मौड़ मंडी
एक बार जीती, दूजी बार जिहड़ा हैगा जगदेव सिंह कमालू ने एक सिंपल जे बंदे ने आम आदमी पार्टी ने 20,000 वोट तो उन्होंने हरा के भेजा। उस तो बाद उन्होंने 3-4 महीने आपकी किस्मत अजमाई है फिरोजपुर शहरी हल्के तो, जी कॉन्स्टिट्यूंसी फिरोजपुर शहरी, उतों हूँ आ के जीरे आप देखा जाए जीरे आ के, मैं नहीं समझता कि जीरे के लोग, मैं देखता वा पिंड जाके भी देखता वा, भावें मैं कहना वा कि मैं जदों ये गल करता हूँ सी टिकट की गल की जाए, मैं तो समझता नहीं गा कि देखो जीरा परिवार की टिकट 70-80 साल तो परिवार ने जीरे के सेवा की है श्रोमणी अकाली दल की, अज उन्होंने नहीं उन्होंने बादलों ने बख्शा, तो मैं समझता भी ये भी कि एक जनमेजा सिंह सिखों का सियासी कतल है, उन्होंने इतने लिया के किसी भी पिंड स्वीकार नहीं किया जा रहा, पिंड लोगों के आवाज़ बन गई है। मैं समझदा वा कि जो बारला उम्मीदवार है भावें किसी भी पार्टी का होवे, बाहरी उम्मीदवार जीरा हलका एक्सैप्ट नहीं करेगा क्योंकि 2.25 लाख तो 2 लाख वोटर होंगे ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच। तुसीं ये देखो कि एक 2.25 लाख या 2 लाख वोटरों में साढ़े को एक चंगा सियाना इंसान ही नहीं है, एक चंगा सूझवान जिहड़ा नेता ही नहीं है जिहड़ा साडी नुमाइंदगी कर रहे साडे विधानसभा हलके की। मैं समझदा कि जनमेजा सिंह सेखों की थान पर कोई भी इतने वड्डा चेहरा अकाली दल होर भी ले आए, लोगों ने मन बनाया होया है, लोगों ने यह चीज़ का मन बनाया होया कि जिहड़ा इस बार विधानसभा हलके जीरे तो जिहड़ा MLA होएगा जिहड़ा विधानसभा दीयां पौड़ियां चढ़ेगा वो आम आदमी पार्टी का, जो भी पार्टी जिंदे ते भी रखूगी थापी देगी जिन्हों भी आशीर्वाद देगी, तो लोग चीज़ मन गए ने कि जिहड़ा पंजाब नूं बदल एक चंगा दे सकती है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है, लोक हितों नूं सोच रही है, नौजवानों नूं सोच रही है, तो ये चीज़ का जिहड़ा हुण मेरा नौजवान वर्ग तो जिहड़े मेरे बजुर्ग ने जां थोड़ा जिहड़ा सर पंथक जिहड़ी गल करदे सी पंथक अकाली दल जां पंथ नूं वोट पाउणी, अज्ज जनमेजा सिंह सेखों नूं ये गल भुल जानी चाहिए है कि उन्हां नूं जीरे दे विच स्वीकारिया जाएगा, जीरा हलका ने मन बनाया होया कि जिहड़ा बाहरी उम्मीदवार नूं असीं अक्सैप्ट नहीं करांगे, तो आने वाली विधानसभा दीआं चोणां आम आदमी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उन्होंने जिता के विधानसभा पहुँचावे। खंडा साहब ये तो गल होगी कि चलो सिखों साहब आते हैं कि इलैक्शन होंगे उस तो बाद जेकर सत्ता दे विच आते हो जां तुसीं सत्ता दे विच आउण वास्ते जिहड़े जीरे हल्के दे लोग ने जीरे हल्के दे वोटर ने की उन्हां नूं करके दिखाओगे की वक्खरा करोगे दूसरिया पार्टियां नालों, की कर जे तुसीं सत्ता दे विच आउंदे हो तां वी की करोगे, ते जां तुसीं की वादा करना चाहुंदे हो की कम करांगे जीरे हल्के दे विच असीं जेकर तुसीं सत्ता दे विच आउंदे हो। ते मैं ये गल समझदा वां कि जीरा हलका एक बहुत वधिया हलका, ये जिहड़े हल्के दे विच बड़े लीडरां नूं असीं वोटां पा के देखियां विधानसभा दीआं पौड़ियां चढ़ाया, लगभग 5 वार सरदार हरी सिंह जी जहेदार हरी सिंह जी जीरा इत्थों विधानसभा दे विच गए, एक बार नरेश कटारिया जी गए, उस तो बाद गल की जाए हरचरण सिंह हीरो जी की गल, इंद्रजीत जीरा जी की गल की जाए, हुण इस टाइम कुलबीर सिंह जीरा इत्थे MLA ने, पर मैं नहीं समझा कि उन्हां निक्कियां निक्कियां चीज़ों तो उपर कोई नहीं उठा। अज्ज साडी जिहड़ी डिवेलपमेंट सिर्फ ये समझदे गलियां नालियां दे विच, गलियां नालियां दे विच जां स्कूलां नूं थोड़ा बहुता करके, मैं नहीं समझदा, पर मैं ये गल समझदा वा कि जिहड़ा विधानसभा दीआं पौड़ियां चढ़दा साडा जिहड़ा मेन मोटिव हुंदा जिहड़ा साडा MLA हुंदा ओह जिहड़ियां रोज़गार दे जिहड़े मुहैया खास करके जिहड़े नौजवानां दे ने रोज़गार दे जिहड़े मौके ने ओह किवें मुहैया करवाउणे ने ते जिहड़ी डिवेलपमेंट किवें करनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दी। मैं नहीं समझदा कि ये जिहड़े अपने इस टाइम अही MLA बना के भेजे जां पिछले समय दे विच रहे आ ओह आपदियां नीतियां तो पिछे हट के सिर्फ आपदा निजी स्वार्थ ही देखते हैं, तो जे दूजी गल की जाए आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं हैगी दिल्ली दे विच, तो फिर देखो तुसीं कितना उत्थे काम होया। तो मैं समझदा वा कि एक मैंबर पंचायत भी ये गल नहीं कह सकता कि अपने चोणां दे विच कि मैं जे काम किए तो मैनूं वोटां पा दिओ, तो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी ने यह गल कही सी कि जे मैं तुहाडे नाल वादे किए जिहड़े ओह पूरे किए तो मैनूं तुसीं वोटां पायो, तुसीं देखिया किड्डा वड्डा एक माइलस्टोन खड़ा किया, तो जिहड़ी पंजाब है वह तो इंडिपेंडेंट स्टेट है, ना उत्थे कारपोरेशन है साडे कोल आम आदमी पार्टी को, ना पुलिस है, फिर भी सानूं रोज़ केंद्र सरकार वालों कोई ना कोई तरीके नाल टॉर्चर किया जाता, उन्हां दे बोझ पाया जाता, उन्हां नूं थ्रैट किया जाता, साडी जिन्नी भी लॉबी हैगी पोलिटिकल लॉबी, पर फिर भी श्री अरविंद केजरीवाल जी एक क्रांतिकारी सोच जे भारत के बदलाव की सोच के नाल समझते हुए मैं समझदा वा कि वह बहुत वधिया तरीके नाल टैगल कर रहे हैं इन्हां चीज़ों नूं, तो मैं समझदा वा कि वो जिहड़ी वधिया सोच एक चंगा साडे पंजाब दा चेहरा एक चंगे लोग जे लोग इस गल समझते हैं कि पंजाब दे विच एक नवी सरकार चाहिए, एक पंजाब दे विच नवे चेहरे की मंगते हैं लोग, जे विधानसभा की गल करिए MLA की, जे गल करिए एक चंगे मंत्री की, जे गल करिए एक मुख्यमंत्री की, जे लोग ये गल चाहते हैं कि चंगा
असी पंजाब बनाउणा ते चंगी सोच बनाउणी है, चंगी सरकार लैके आउणी ते चंगे कैंडीडेट भी उन्होंने नवे चाहिए ने। मैं गल समझदा कि जो परमात्मा की कृपा रही सच्चे पाशाह 2022 दे विच जे सरकार आऊगी परमात्मा की कृपा नाल आम आदमी पार्टी दी, लोगों नूं मैं समझदा वां कि 6 महीने साल जरूर लगेगा जिहड़ा सिस्टम साडा इन्ना खराब होया गंदा होया, पर उस तो बाद बहुत वधिया तरीके नाल सिस्टम नूं असीं सारे हैंडल करांगे, रल मिल के सारा पंजाब की चंगी सिरजना करांगे। तो तुहानूं किसे दफ्तरां विच किते होस्पिटलां विच किते थाणियां विच जे आपां तहसील ऑफिस दे विच जां SDM ऑफिस दे विच किते तुहानूं जे किसे MC दी सरपंच दी जां किसे MLA दा फोन करवाउण दी जरूरत नहीं पएगी। इह सिस्टम अपने आप चलने चाहीदे ने, इहनां विच साडी कोई विच इनवॉल्वमेंट नहीं चाहिए लीडर की। तो मैं ताडे मीडिया थ्रू ये बेनती करदा वां आपदे जिन्ने भी वोटर ने पंजाब दे विच बैठे कि असी एक चंगे पंजाब की सिरजना करन लई एक आम आदमी पार्टी के नाल जुड़ीए, तो आप वोटा पा के वो तो वह एक चंगे पंजाब की सिरजना करके फिर पंजाब में अपने सोने की चिड़ी बनाइए। खेड़ा साहब तुम गल की कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेकर मैं काम किया तो मैं वोटा पाओ, ये गल तो विधानसभा हलका जीरा दे साडे जिहड़े विधायक ने कुलबीर सिंह जीरा वह भी कह रहे हैं कि असीं जीरे हल्के बहुत विकास किया वा तो असीं जिहड़ा आने वाला इलैक्शन विकास के आधार के उत्ते लड़ांगे, किवें देखदे हो जीरे हल्के दे विच किन्ना क विकास जिहड़ा जीरे हल्के दे विच होया? मैं पहली गल तो मैं समझदा जिहड़ा विधान घर हुंदा जिहड़ा साडा MLA हुंदा जदों वोटा पै जांदियां जे 70 हज़ार 69 हज़ार कुछ वोटा मेरे कुलबीर सिंह जीरा MLA नूं पईआं कि उह कल्ला 69 हज़ार वोटरां दा MLA नहीं हैगा, उह 1,70,000 जिन्ने समथिंग वोट हैगी आ सारिआं दा MLA। MLA दा मतलब हुंदा तुसीं सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नूं रीप्रजेंट करदे हो, ना कि तुसीं इक सिर्फ कांग्रेस ने जिहड़ी तुहानूं वोट पाई है जिहड़े तुहानूं जिन्हां ने जिताया उहनां नूं। मैं नहीं समझदा कोई डिवेलपमेंट जीरे विच होई है, मैं समझदा तुसीं देखो जीरे दियां तुसीं पिंडां दियां गलियां नालियां दी गल करिए कि एक पहला सिंपल इट्टां लगियां सी उहनां नूं पट के इंटरलॉकिंग टाइलां दियां जिहड़ियां फैक्ट्रियां लगियां उहनां दे चहेतियां दियां उहनां नूं सिर्फ लाभ दित्ता गया। जे उस तों बाद गल की जाए मतलब साडी गल उत्थे ही खड़ गई साडे जीरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कोई कोई नवी चीज़ दसो मैनूं जीरे दे विच होई है, बड़ा कुछ होने वाला जीरे दे विच, चंगे टैक्नोलॉजियां दे विच कोई होस्पिटल ने चंगा हैगा, जे गल की जाए चंगे स्कूलों की गल की जाए एजुकेशन की, जे चंगी गल किसी किहड़े नौजवान नूं रोज़गार मिलिया, उस तों बाद इन्हां ने कर्जा माफ़ी की गल की सी, पेंशन स्कीम की गल हुण फिर करनगे मराणा साहब, टाइम थोड़ा रह गया। पर मैं समझदा नहीं गा कि हुण जिहड़ा हैगा जिहड़ा मेरा वोटर है जीरा हल्के दा नहीं पंजाब दा वोटर सियाणा हो गया, उहनां दीआं जिहड़ियां हुण जिहड़ियां झूठां दे विच नहीं आउणगे, हुण पंजाब दी चंगी सिरजना लई लोकां ने मन बनाया कि जिहड़ा कुछ आम आदमी पार्टी वल्लों दिल्ली विच किया गया उह उत्थे कीता, ते उहनां नूं इस चीज़ नूं असीं समझदे कि असीं इत्थे वी इह चीज़ां नूं इंप्लीमेंट करांगे। इह परमात्मा दी कृपा चाहीदी, जिहड़े वोटरां दा प्यार सत्कार चाहीदा, इह असीं तुहानूं करके दिखावांगे। किते मीडिया दे विच नहीं, मैं जदों वी हुण साडा सारिआं नालों पहला अंदोलन चलदा पिआ जिहड़ी पहली गरंटी चलदी पई श्री अरविंद केजरीवाल जी वल्लों बिजली अंदोलन चलता पाया, तुहानूं इस गल का पता हर एक पिंड दे विच असीं जांदे आ डे बाय डे, रोज़ 10-12 पिंडां दे विच जाईदा, उत्थे जाके लोगों को पहली गरंटी दे के आई दी कि बिजली के बिल साड़ के असीं मुजहरा करते पे। तो उस तो बाद अगले महीने अरविंद केजरीवाल जी पंजाब दे विच आ रहे हैं, वो एक गरंटी देन आ रहे हैं कि असी जिहड़ा तुहाडा जिहड़ा बिजली अंदोलन शुरू किया अगले उस तो बाद असीं जदों केजरीवाल साहब आउणगे अगले उस तो अगले महीने असीं घर घर जाके एक दे के जावांगे उहनूं जिहड़ा बिजली दे दूजियां रसीदां दे के आवांगे, गरंटी उत्ते लिखी होगी केजरीवाल साहब वल्लों, ते एक पासे साइन होणगे उहनां दे एक पासे साडे साइन होणगे कि इह साडी पहली गरंटी है, असीं जे जो सरक सत्ता दे विच आए बिजली दा जिहड़ा हैगा मसला सारिआं नाल पहल दे आधार ते करांगे, क्योंकि हर एक गरीब परिवार की ते एक जिहड़ी मध्य वर्गी परिवार की सारिआं नाल वड्डी लोड़ बिजली है। ते बिजली दा तुहानूं पता ही है कि दिल्ली विच किन्ने परिवारां नूं फ्री बिजली दित्ती जा रही है, पंजाब दे विचों बिजली खरीद के दिल्ली विच जे बिजली फ्री दित्ती जा रही है ते की गल इत्थे 8 to 10 रुपए यूनिट है। इस करके मैं समझदा कि पंजाब सरकार की गल की जाए तो पंजाब सरकार का एक पहलू मैं कहना विधानसभा हलका जीरा बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, तो जिहड़ा साडा पंजाबी है जां वोटर है वो तैयार बर तैयार है, समा डीकदा बस हुण तां 7-8 महीने रह गए तुहाडे सामने, परमात्मा की कृपा नाल अपने आप तुहानूं पता लग जाऊ अगलियां विधानसभा चोणां। अखीर दे उत्ते चंद शब्दां दे विच जीरे हल्के दे वोटरां नूं की अपील करनी जाओगे, की बेनती करनी जाओगे साडे मीडिया दे राहीं? मराणा साहब मैं ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਹੋਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੀਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਪਦਾ ਸੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਾ ਟੀਮ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਖਿੰਡਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤਪਦਾ ਸੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਹਾਣਾ।